ये कहानी है एक रोड ट्रिप की जो करीब है यहाँ से धमतरी तक की। और इस कहानी में तीन किरदार हैं, जिसमें से पहला है हमारा यश भैया, जिनके सर पे अभी बाल का सहारा नहीं रहा। और दूसरे हैं हमारे अभय भैया, अभय पांडे, जिनके आँखों पे अभी चश्मे का सहारा चढ़ चुका है। और आखिरी में आते हैं तीसरे किरदार जो हैं इस व्लॉग के हीरो, जिनका नाम है सोमेश HD, जो कि हूँ मैं। तो आगे तक देखिए इस व्लॉग को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले सुबह उठा गया, उठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उठना ज़रूरी था। फिर फ्रेश हुआ गया, ब्रश किया गया, उसके बाद सुबह हम एक असमंजस में फंस गए। हमारे सामने एक समस्या आ गई, और वो समस्या ये थी कि भाई कपड़े कौन से पहनने हैं। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद हमने डिसाइड किया और पहना एक हुडी एंड बॉटम वेयर में एक चीनोस। बट अभी आपके HD का स्वैग पूरा कहाँ हुआ था? हुडी के ऊपर पहना गया डेनिम जैकेट भाई। लेकिन इस बार कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि बाहर गर्मी नहीं थी, इस बार सीन्स अलग थे, इस बार बाहर ठंडी थी। ऑलराइट गाइस, सो गुड मॉर्निंग, और आज अपन फिर से जा रहे हैं एक बार राइड पे। और छोटी सी राइड है जो हम लोग थोड़े दिन से ऐसा प्लान वान कर रहे थे राइड पे जाने का, उस पे जा रहे हैं आज हम लोग। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे चलते चलते इतना बता रहा हूँ कि हम धमतरी एरिया में जा रहे हैं। अब आप लोग गैस तो कर ही लिए होंगे और टाइटल वाइटल तो आ ही गया होगा, बाकी अपन कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। और बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 7:37 हो रहे हैं अभी, और अपना टाइम था निकलने का 7 बजे, लेकिन अपन आज लेट नहीं है। आज टाइम ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा है ताकि हम लेट हो जाए, देख रहे हो, मतलब कुछ भी, मतलब एक्सक्यूज़ भी अच्छे से देने नहीं आ रहा है ना। लेकिन जो भी हो, अपन आज लेट हो चुके हैं, अपने 7 बजे तक निकल जाना था, लेकिन अभी 7:30 हो गए और अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं। और ब्लॉगर लाइफ ऐसी लाइफ है ना भाई, मतलब सुबह उठते ही कैमरा पकड़ के शूट करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने पहले वाला शॉट देखा तो हालत ख़राब हो जाती है। वो दो बंदे अभी मस्त सुबह से उठ के खाना खा रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, बैग पैक कर रहे होंगे, और मैं कैमरा गैस पैक करने में उलझाऊँ कर रास्ते। तो ऐसी लाइफ है हमारी। तो एक दिन का राइट है, भगवान करे बहुत ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। और आज हमारे साथ हमारा सफ़ेद बिल्ला नहीं जा रहा है, बिकॉज अब उसका कोई रीज़न नहीं है यार, वो थका वका नहीं है, उसको जब ले जाओ तब चले जाएगा, जब ले जाओ तब जाने को राजी है। लेकिन आज हम उसको नहीं ले जा रहे हैं, बिकॉज आज हम अपनी बसंती को ले जा रहे हैं, आज हम अपने यूनिकॉर्न को ले जा रहे हैं। बिकॉज मैंने जब बाइक लिया था तब मैंने बोला था कि इस गाड़ी पे एक शॉर्ट राइड बनता है, बिकॉज इसका मैंने इसको ज़्यादा चलाया नहीं है, तो इसका जो पावर है मेरे को अच्छे से पता नहीं है, और ABS वगैरह तो चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अपन आज यूनिकॉर्न को ले जा रहे हैं, आज हमारा सफ़ेद बिल्ला आराम करेगा, आराम नहीं करेगा, मतलब पापा यूनिकॉर्न के जगह उसको दुकान ले जाएंगे, बट हमारे जितना नहीं चलेगा। और ये राइड है करीब करीब 80 किलोमीटर्स का, ये राइड है 80-90 किलोमीटर जाना है, देन उतना वापस आना है, और थोड़ा बहुत घूम के अलग। और तीन जन जा रहे हैं जिनसे मैं आप लोगों को मिलाता हूँ, हाथ बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया। तो चलो फिर जाते हैं, नीचे जाते हैं, देखते हैं बैग वगैरह पूरा पैक हो गया, वैसे तो कुछ सामान डालना और फाइल कॉपी करना अपने मेमोरी कार्ड का, ताकि जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो स्टोरेज के लिए। तो जाते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह पूरा क्लीन करते हैं, स्टोरेज वगैरह, और बैग पैक करते हैं, देन निकलते हैं। चलो फिर तो अभी 8:30-9 करीब बज रहे हैं, और अभी हम लोग एक जगह चाय पीने के लिए रुके, जैसा कि बोला गया था,
और हम लोग जा रहे हैं तीन जन। कौन कौन जा रहे हैं देख लो, ये अपना क्या नाम रखे इसका, कांचा। अपना कांचा जा रहा है बिकॉज इसका बाल झड़ गए, अब इसको अपने बाल में कुछ इसको अपने बाल में ज्यादा ही गुरूर आ गया था इसलिए इसका बाल झड़ गया। और ये अपने पांडे भैया पबजी लवर, वैसे पबजी अभी बैन हो गया। बाकी अपन अभी चाय वगैरह पीते, कॉफ़ी वगैरह पीते, ये नाश्ता कर अपना भाई, उसके बाद अपन निकलते हैं। और मेरे कारण आज हो गया लेट, हमेशा इसके कारण होता है लेकिन आज मेरे कारण होता है। अब ऐसे बोलेगा तो लेट हो गया है, तो अपन अब निकलेंगे और आई थिंक एक भी स्टॉप नहीं लेंगे जाने के पहले, जब तक धमतरी नहीं जाते। धमतरी जाके शायद नाश्ता वगैरह करेंगे वहाँ, उधर करेंगे नाश्ता वगैरह। बाकी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और अपन दुर्ग से निकले थे, कितने बजे निकले थे, 8 बजे दुर्ग से निकले थे। और ये गाड़ी ना जितना सोचा था ना कि कंफर्टेबल होगी, नहीं है भाई। ये गाड़ी ना शायद डबल सीट में अपने पास बैग है इस कारण है, लेकिन अपाचे से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है गाड़ी, हालत ख़राब हो गया। अपन आते तक अपने को आधा घंटा एक्स्ट्रा इसी कारण लगा है, नहीं तो अपन आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच जाते। बाकी मज़ा आ रहा है राइड का। और अभी यहाँ से अभी अब हम लोग हैं धमतरी में, चाय वाय पी रहे धमतरी में। बाकी यहाँ से अभी निकलेंगे 10 बजे और आई थिंक 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। 22 किलोमीटर है यहाँ से गंगरेल डैम, तो चाय वगैरह पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इधर शूट करने का कोई मतलब है नहीं। तो चलो फिर सीधा वहीं मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपन थोड़े से जगह में एक जगह रुके हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर बस। और ये एरिया ना इतना ज़्यादा अच्छा है इसलिए यहाँ पास रुक के थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाने का सोचे हैं। बाकी देखते फ़ोटो वगैरह कैसी आती है यहाँ पास, बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया आप लोग देख लो। देखो इस तरफ है अपने 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है ना, कितना किलोमीटर बचा है, 4 किलोमीटर अपने किधर से जाना है आगे। और ये अपने टकलू उस्ताद, और बाकी बहुत अच्छा जगह है ये, तो सोच रहे हैं फोटो वगैरह खिंचाएं। तू भी अच्छा है तो यहाँ सोच रहे हैं फोटो वगैरह खिंचाएं। ये अपने भाई लोग फोटो, ये भाई अपना फोटो खींच रहे हैं, ये पहली बार आज जिंदगी में फोटो खिंचा रहे हैं और हम भी फोटो खिंचा रहे हैं। इतना अच्छा प्लेस है, इतना मज़ा आ रहा है और इतनी अच्छी अच्छी फोटोज आ रही है ना। अब मैं फिर इंस्टाग्राम का प्रमोशन करूंगा, इससे अच्छा आप लोग यहाँ हैंडल वैंडल आ रहा होगा जार, पूरी फोटोज को आप देख लेना। जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक एक ना एक फोटो मैं डाल लूंगा। बाकी इधर देखो यार, पूरा खेत है इधर, ये भाई अपना इंस्ट्रक्शन दे रहे, ये अपनी गाड़ी अपना बसंती यहाँ पास खड़ी है। और इधर रोड देखो, बाकी बस यही है, घूमने ही आए थे, घूम रहे हैं। और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ, जब यहाँ से निकलेंगे ना तब आपसे बात करूंगा मैं, तब तक आप थोड़ी टाइम लैप्स सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। पूरा फोटो वोटो खिंचाना हो गया कंप्लीट, थोड़ा ब्यूरोल वगैरह भी आप देखे होंगे और फोटो इसके भी आईडी में आ जाएगी, इसकी भी आईडी में आ जाएगी। प्रमोशन कर रहा हूँ फ्री में ना, धन्यवाद। हाँ तो सबके आईडी में आपको स्क्रीन में मिल जाएगी, आईडी मेंशन हो जाएगी। बाकी अभी निकलते हैं, ये टकलू बॉस अपना गाड़ी चला रहे हैं, बस 4 किलोमीटर बचा है वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ के भी आपको अच्छे से दिखाएंगे।
वहाँ जाके पहले ब्रेक लेंगे, चाय पानी नाश्ता जो भी होगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो चलो फिर चलते, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। गाइस तो अभी अपन आ गए गंगरेल डैम और यहाँ का सीन थोड़ा सा गलत हो गया, बिकॉज अभी बोल रहे हैं जो डैम है डैम के ऊपर जाने नहीं दे रहे, वो जगह बंद है। तो अभी अपन मंदिर के तरफ है और अभी अपन मंदिर का दर्शन कर उसके बाद देखते हैं लेक व्यू किधर है। मैं एक बार आया था तब गया नहीं था, बाकी इधर ही तो होना चाहिए और ये अपना यहाँ पास मंदिर है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या है, कैसे होगा। थोड़ा सा सीन गड़बड़ हो गया यहाँ का, बट अब क्या कर सकते हैं। तो आई होप मज़ा आएगा। देखो आप ऑलराइट गाइस, तो अभी अपन दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ था मंदिर में, बट ये तो होना ही था नवरात्रि के समय, और भीड़ तो रह गई। और अपन आ चुके हैं और ये यश अपने को बार बार फ़ोन कर रहा है, वो जा नहीं सकता और उसके पीछे कुछ रीजंस है, बट वो नहीं जा सकता मंदिर, इस कारण वो वेट कर रहा है। वो कहाँ है उसको ढूंढते हैं, देन देखते हैं। भूख लग रहा है तो पहले तो कुछ खाएंगे जो अपन घर से लाया नाश्ता। तो अभी अपन खाना खाने बैठ गए हैं और ये ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। एंड नया ब्लॉग अब खाना खाने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कहाँ जाना है क्या करना है। तो इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर नया ब्लॉग चालू करते हैं। तो नया ब्लॉग देखना है तो उसको सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी देख पाओगे। तो ये लो फिर खाना चल रहा है, नया ब्लॉग में देखना खाना क्या क्या अपन खाना क्या लाएं। देखो अपना भाई हो गया भाई तेरी।